जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया है। ताहम चीफ जस्टिस के लिखे खत के मंदरजा तहा सामने नहीं आ सके। बात करेंगे इस हवाले से, वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम बताएगा। देखिए बिल्कुल, मामला है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डिनेंस आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत जो जजेस कमेटी की साख तब्दील हुई थी उस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट में ये हुई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो कमेटी के इजलास में शरीक नहीं हुए और उन्होंने 3 सफ़ों का खत लिखकर कहा था कि जब तक कमेटी अपनी ओरिजिनल हालत में बहाल नहीं होती उस कमेटी के फैसलों को भी तस्लीम नहीं करेंगे और कमेटी के इजलास में भी शरीक नहीं होंगे। तो अब इतलात ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया, मगर ताहाल जो खत के मंदरजात हैं, खत में क्या कुछ लिखा गया है वो सामने नहीं आ सके। खत में क्या कुछ लिखा गया है अभी तक सामने नहीं आया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया है। ताहम चीफ जस्टिस के लिखे खत के मंदरजात ताहाल सामने नहीं आ सके। बहुत शुक्रिया वसीम आपका। देखिए बिल्कुल, मामला है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डिनेंस आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत जो जजेस कमेटी की साख तब्दील हुई थी उस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट में ये हुई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो कमेटी के इजलास में शरीक नहीं हुए और उन्होंने 3 सफ़ों का खत लिखकर कहा था कि जब तक कमेटी अपनी ओरिजिनल हालत में बहाल नहीं होती उस कमेटी के फैसलों को भी तस्लीम नहीं करेंगे और कमेटी के इजलास में भी शरीक नहीं होंगे। तो अब इतलात ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया, मगर ताहाल जो खत के मंदरजात हैं, खत में क्या कुछ लिखा गया है वो सामने नहीं आ सके। खत में क्या कुछ लिखा गया है अभी तक सामने नहीं आया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया है। ताहम चीफ जस्टिस के लिखे खत के मंदरजात ताहाल सामने नहीं आ सके। बहुत शुक्रिया वसीम आपका। देखिए बिल्कुल, मामला है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डिनेंस आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत जो जजेस कमेटी की साख तब्दील हुई थी उस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट में ये हुई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो कमेटी के इजलास में शरीक नहीं हुए और उन्होंने 3 सफ़ों का खत लिखकर कहा था कि जब तक कमेटी अपनी ओरिजिनल हालत में बहाल नहीं होती उस कमेटी के फैसलों को भी तस्लीम नहीं करेंगे और कमेटी के इजलास में भी शरीक नहीं होंगे। तो अब इतलात ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया, मगर ताहाल जो खत के मंदरजात हैं, खत में क्या कुछ लिखा गया है वो सामने नहीं आ सके। खत में क्या कुछ लिखा गया है अभी तक सामने नहीं आया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया है। ताहम चीफ जस्टिस के लिखे खत के मंदरजात ताहाल सामने नहीं आ सके। बहुत शुक्रिया वसीम आपका। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो, अब होगी जदीद दौर से हम आहंग। दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की, आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com